नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे एलपीजी गैस के बारे में। देश में गैस सिलेंडरों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 3.50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी 8 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि इस महीने में यह दूसरी बार है जब गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले यानी कि 7 मई को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। अगर हम पिछले एक साल में गैस सिलेंडर की कीमतों की बढ़ोतरी की बात करें तो 194 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही साथ इस गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो आइए अब जान लेते हैं बिहार के जिलों में इंडियन गैस की कीमतों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अररिया के बारे में। अररिया में 14.2 लीटर के एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो है 1102 रुपये पहुँच गई है। औरंगाबाद जिले की बात करें तो यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1099.50 रुपये है। वहीं अगर हम बांका की बात करें तो यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1150 पैसे है। अगर हम बेगूसराय की बात करें तो यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1082 रुपया है, जबकि कैमूर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ 1103.50 रुपये है। अगर हम भागलपुर की बात करें तो यहाँ पे 1150 पैसे यहाँ पे भागलपुर में गैस सिलेंडर की कीमत है, जबकि भोजपुर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1101 रुपये है। वहीं अगर हम बक्सर की बात कर लें तो बक्सर में 1100 रुपये गैस सिलेंडर की कीमत है, जबकि दरभंगा की बात करें तो यहाँ भी 1100 रुपया गैस सिलेंडर की कीमत है। अगर हम बात गया की कर लें तो यहाँ पे 1150 पैसे गैस सिलेंडर की कीमत है, जबकि गोपालगंज में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1100 रुपया है। जहानाबाद की बात कर लें तो यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1099 रुपया है, जबकि जमुई में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1150 पैसे है। अगर हम कटिहार की बात कर लें तो कटिहार में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1103 रुपये है, जबकि खगड़िया की अगर हम बात कर लें तो यहाँ 1092 रुपया है। किशनगंज जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1105 रुपया है, जबकि लखीसराय की अगर हम बात कर लें तो यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1092 रुपया है। मधेपुरा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 1105 रुपया गैस सिलेंडर की कीमत है, जबकि मधुबनी की अगर हम बात कर लें गैस सिलेंडर की कीमत तो 1103 रुपया है। मुंगेर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1092 रुपया है, जबकि मुजफ्फरपुर जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ 1091.50 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत है। अगर हम बात करें नालंदा जिले की तो यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1100 रुपया है, जबकि नवादा की बात करें तो यहाँ 1150 पैसे है। अगर हम बात पश्चिम चंपारण की कर लें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपया है। अगर हम बात राजधानी पटना की करें तो यहाँ पे घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1092.50 रुपया है, जबकि पूर्वी चंपारण की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 1103 रुपया है। पूर्णिया की अगर हम बात करें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1101.50 रुपये है। वहीं अगर हम रोहतास की बात कर लें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1103 रुपया है। सहरसा की अगर हम बात करें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1101.50 रुपये है, जबकि समस्तीपुर में अगर हम घरेलू सिलेंडर की बात कर लें तो यहाँ 1100 रुपये घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत है। सारण की अगर हम बात कर लें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1101 रुपया है। जब वहीं अगर हम सिवान की बात कर लें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1101 रुपया है। शेखपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1084 रुपया है, जबकि शिवहर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1100 रुपये है, यानी कि 1100 रुपये है। अगर हम सीतामढ़ी की बात कर लें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1100 रुपये है, जबकि सुपौल की बात कर लें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1104.50 रुपया है। अगर हम बात वैशाली की करें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1091.50 रुपये है। वहीं अगर हम अरवल की बात कर लें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1099 रुपया है। तो ये थे बिहार में के सभी जिलों का हाल जो कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत है। हमने आपको इंडियन गैस सिलेंडर की कीमत का रेट जो है वो बताया है 3.50 रुपये बढ़ोतरी के बाद। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।